जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। थैंक यू शुक्राना गुरु जी। आई वॉज वेटिंग, लास्ट दो तीन बारी से आई वॉज वेटिंग कि मेरा नंबर कब आएगा। आई वॉज थिंकिंग, सोचती रहती थी ड्राइव करते आ रही हूँ, आई एम थिंकिंग कि मैं क्या बोलूँगी सत्संग में, आज होगा नहीं होगा। बट आज सडनली सीमा आंटी कॉल्ड, आई वॉज नॉट रेडी दैट टाइम, घर पे ही थी। अब तो जो गुरु जी ने बुलवाना होगा बुलवाएंगे। गुरु जी सत्संग आपने करवाना है। सो गुरु जी से मेरा मिलना 2020 में हुआ। उससे पहले आई विल नॉट से कि मैं शिव जी को मानती थी, मैं माता जी को मानती थी, मैं सबको मानती थी, बिकॉज मैं सबके फास्ट करती थी, मैं एवरी मंडे शिवलिंग जाती थी। बट आई थिंक एक डर था और एक हमेशा एक मांग थी कि मेरे को ये फास्ट कर रही हूँ तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और एक डर कि अरे आज मैंने तो जोत नहीं जलाई, एक वहम, एक डर कहीं। बट गुरुजी के साथ आके आई थिंक नाउ आई फील आई एम एट द राइट प्लेस, और मेरे सारे वहम, सारे डर सब खत्म। 2020 में मैं कहूँगी कि मैं यहाँ पे पहले आई, बट गुरुजी का शुक्राना भजन मेरे घर रोज चलता था। आई डिडंट नो कि ये कौन से गुरुजी हैं, क्या है। एक बारी यूट्यूब पे, एंड दिस आई रियलाइज नाउ कि अरे ये तो मैं पहले सुनती थी, गुरुजी ने पहले ही मुझे चूज कर लिया था कि ये मेरे पास आएगी। मैं एवरी मॉर्निंग मैं उनका शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय चलता था घर में, और मेरे को नहीं पता था ये कौन से गुरुजी का है या क्या है। बट 2019 में आई वेंट टू इंडिया अपने कज़न की शादी में, एंड वहाँ पे वो भी गुरुजी के बहुत फॉलोअर हैं, और मैंने बड़ा बहुत बड़ा स्वरूप देखा उनके घर में। एंड कुछ ऐसा नहीं लगा कि अरे ये क्या, ऐसे कैसे कोई गुरु को मानते हैं यहाँ पे। दैट वॉज द फीलिंग। उस वेडिंग में मेरी भाभी ने सब गुरुजी की ज्वेलरी पहनी हुई थी सारी, एंड मैं अपनी मॉम को बोल रही हूँ कि ऐसे गुरुजी की ज्वेलरी शादी में पहनी है हम, आई मीन आई नेवर सॉ। और अब एक टाइम है कि आई क्रेव फॉर हिज ब्रेसलेट, ब्लेसिंग मिल जाए, ये टाइम आ गया। मे बी ही सिलेक्टेड मी 8th January 2020 को माय हस्बैंड वाज लीविंग फॉर वर्क। मैंने ये पहले सत्संग किया है यहाँ पे, बट फॉर न्यू संगत आई जस्ट रीकैप। And while driving, he had a heart attack and he met with an accident. And there was 4-5 cars and a trailer involved. They had to revive him twice. He got the stunt, his one artery was blocked and he got the stunt. And since that time, up till now, he is in vegetative state. But Guruji ne itna sambhal ke rakha hai ye 2 saal se. there was a time जब we used to pinch him, हम उसको चूटियां मारते थे, हम needles चुबोते थे कि he could feel कि उसको कोई दर्द, उसको कुछ पता नहीं चलता था। he would not open his eyes and we would scream all time कि वो कुछ react करे। गुरुजी ने रास्ते बनाए, कैसलर ब्रेन इंस्टीट्यूट दे वर रेडी टू टेक हिम। कैसे उन्होंने, गुरुजी ने उस टाइम पे रास्ते बनवा के और कैसलर हम लोग उनको उसको लेके गए। देर वॉज इम्प्रूवमेंट उस टाइम पे, मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। मेरे कज़न ने बोला कि वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है और गो एंड गेट दैट जल प्रसाद। सो माय फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पे कॉल किया, सीमा आंटी ने लोटा के बारे में बताया। सो संडे को माई फ्रेंड्स वर कमिंग ओवर एंड देन सडनली माई बुआ कॉल्ड मी दैट टाइम, और वो लोग निकल रहे थे यहाँ सत्संग के लिए, एंड बुआ ने कहा कि नो नो यू गो विद देम, तू साथ जा। एंड वहाँ पे उस टाइम पे आई वॉज फास्टिंग, लाइक पूरा महीना आई विल फास्ट, एंड होल टाइम आई वॉज जस्ट, किसी ने कोई पाठ बता दिया, किसी ने कोई बुक रीड करने बता दी, सुबह से लेकर रात तक आई वॉज जस्ट डूइंग पार्ट्स।
मुझे समझ आते हैं नहीं आते हैं, बट आई किसी ने बताया है तो आई विल डू इट. कितने पंडित, कितनी पूजा, कितना, कितने सारे उपाय, यहाँ पे ये करना है, इधर वो देना है, वट एवर. होल डे वॉज लाइक दिस. सारे दिन ऐसे होते थे. आई केम हियर, मैं साथ में आई. छोड़ देना, नो, डोंट वरी अबाउट योर व्रत एंड एवरीथिंग. वहां का लंगर इज ब्लेस्ड और वो प्रसाद है, वो तुम किसी भी व्रत में खा सकते हो. आई यूज टू कम, मैं दो जनों का उसका अपना लंगर यहाँ पे खाती थी. लोटा प्रसाद में लेके गई. आई यूज टू डू जल प्रसाद बिकॉज ही वॉज ऑन फीडिंग ट्यूब. ही कुड नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम माउथ, सो मैं ट्यूब से ही एवरी मेडिसिन एंड जो भी फीड थी आई यूज टू गिव विद जल प्रसाद, गुरु जी का लोटा का ब्लेस जल से. यहाँ पे आती थी और आई डिडंट नो मच, बस यहाँ पे सत्संग सुनती थी. यहाँ से जाती थी, व्हेन आई यूज टू लीव आई यूज टू टेक टन्स ऑफ एनर्जी विद मी. इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतनी पॉजिटिविटी कि लगता था कि अरे सब ठीक हो जाएगा. ये डॉक्टर्स को तो कुछ पता नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं, विच इज ओके बिकॉज डॉक्टर ने इनिशियल स्टेज पे बोल दिया था कि इट्स बेटर लेट्स टर्न ऑफ द वेंटिलेटर, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है. बट यहां से इतनी पॉजिटिविटी थी और अब भी है, एंड अब तो खैर बहुत 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 ज्यादा है कि सब कुछ ठीक होगा ही होगा, एज ही इज विद मी ऑल द टाइम. केसलर में हमने बहुत इंप्रूवमेंट देखी. ही कुड फील, ही इवन स्टार्टेड थोड़ा भी, वॉज वेरी क्लोज टू, ही स्टार्टेड, इनफैक्ट ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग. बट दैट वॉज, वो भी टाइम अभी गुरुजी को गुरुजी का टाइम नहीं था. सो आई वॉज सो, कोविड स्टार्टेड, सब कुछ हुआ. एक बारी मैं बस घर से निकल रही थी, क्योंकि मॉर्निंग हॉस्पिटल जाती थी, इवनिंग में आती थी, अपनी डॉटर का लंच वन स्कूल से किया, एंड देन अगेन आई यूज टू रश टू केसलर. एंड रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, ऐसे ही जाते जाते बोला गुरुजी हाँ, मैं थक गई. ऐसे आई पता नहीं क्यों मैं उसे निकला, आई सेड गुरुजी आई एम टायर्ड. और तब भी मैं शायद गुरुजी को इतना नहीं जानती थी, बस सत्संग सुनती थी और पूरे दिन भर अलग हर टाइप ऑफ पाठ होते थे मेरे. एंड फ्रॉम एक दिन छोड़ के कोविड लॉकडाउन स्टार्टेड. इंश्योरेंस इश्यूज था केसलर से, वी हैड टू मूव हिम टू पोस्ट एक्यूट. कोविड स्टार्टेड सो वी वर नॉट अलाउड टू गो सी हिम, नोबडी वाज अलाउड टू मीट हिम. दिस हैपेंड फॉर 4 मंथ्स. 4 मंथ्स में जो हमने केसलर में प्रोग्रेस किया, हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ गए. बिकॉज पोस्ट एक्यूट में दे स्टॉप्ड ऑल हिज थेरेपीज, दे स्टॉप्ड मूविंग हिम, सिर्फ मेडिकली उन्होंने उसे फिट रखा. बट वो 4 महीने में गुरुजी ने, मैं शायद गुरुजी को बहुत जान पाई बिकॉज ही गेव मी सो मच टाइम विद हिम. हॉस्पिटल नहीं जाना था, जॉब, आई यूज टू वर्क एज अ टेक्नीशियन CVS, तो वो भी कोविड के चक्कर में आई वॉज नॉट गोइंग, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने मुझे सुबह का टाइम दिया अमृत वेला का, शाम का हमारा फ्रेंड सर्कल, वी यूज टू डू गूगल डुओ पे हम 1 घंटा गुरुजी का मंत्र जाप करते थे, उनका भोग करना, एवरीथिंग, इतना टाइम. और उस टाइम पे मैं गुरुजी को शायद बहुत अच्छे से जान पाई. अभी भी शायद जान रही हूँ कि इतना कुछ है ना उनके लिए, इट इज, अभी भी मेरा जानना आई थिंक आई एम बहुत ही थोड़ा है. मैंने इको शो पोस्ट एक्यूट में लगाया हुआ था, सो दैट दैट इवनिंग टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू मंत्र जाप, आई यूज्ड टू डू द वीडियो ऑन इको शो, सो दैट माय हस्बैंड आल्सो कीप्स लिसनिंग हिज मंत्र जाप दैट टाइम. उस टाइम पे गुरुजी ने, किसी ने कोई धागे दिए हुए थे, किसी ने कोई रिंग्स थी, कितनी पूजाओं के धागे मैंने पहने हुए, मेरे हस्बैंड ने पहने हुए. उस टाइम पे गुरुजी ने पाठ के बीच में मेरे को इतना कुछ दिखाया ऑन इको शो, जो मैं वीडियो पे देखती थी. आई वॉज टू वॉच हिम एंड देन ही शोड मी
कि देस समथिंग, कोई एक समथिंग ट्राइंग टू एंटर हिज रूम, माय हस्बैंड्स रूम, एंड देस वन पावर दैट इज स्टॉपिंग हिम एंड नॉट लेटिंग दैट थिंग इनसाइड, आई मीन नियर हिम. पार्ट के बीच में उन्होंने सारी रिंग्स, धागे, एवरीथिंग आई जस्ट टुक ऑफ. एंड उसके बाद आई रियलाइज कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया. कोई उपाय कर रही हूँ, कुछ उपाय कर रही हूँ, आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक मेरे को पहले गुरु जी को समझ जाना चाहिए था, बट जब उनकी मर्जी होती है. आई सून आफ्टर द पार्ट आई कॉल द हॉस्पिटल एंड आई टोल्ड द नर्स टू टेक ऑफ ऑल द धागास दैट माई हस्बैंड इज वेयरिंग. आई डिडंट वॉन्टेड हिम टू वेयर एनीथिंग, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि जो होना है, जैसा होना है, वो यहीं पे ही होना है, नो वेयर एल्स, कहीं और नहीं हो सकता. पोस्ट एक्यूट में इवन ही गॉट कोविड फ्रॉम द स्टाफ एंड डॉक्टर्स वर लाइक ओहो इट इज वी हैव टू आई थिंक मूव हिम ऑन टू द वेंटिलेटर अगेन बिकॉज he was breathing on his own, but he was still on the track, breathing tube. Guruji ki meher se no symptoms came to him, only 99 fever ke upar bhi nahi hua, nothing. Doctors were surprised ki is situation mein with that first wave of COVID nothing happened to him. Jahan healthy logo ke they were not able to, you know, survive. Then we were trying to get him home because yahi lag raha tha bahut time ho gaya and think whatever we want him home and we'll take care of him. So he still had that breathing tube that thing and we had to remove that. So doctor was like it's a very small procedure and you can take him in 2 days, you can take him home, make all the arrangements. Whatever, during that surgery, whatever was happened, I think doctor say, I was there waiting for him. Unhone kaha ki surgery is done, all fine. And 2 hours is the recovery period. And then we will move him to the post-acute and the other day you can take him home. Since morning, raat ke 10 baj gaye. And they said surgery is fine, but he's still in the recovery. I was like, what is happening? Itna time kyun lag raha hai? Itna time kyun lag raha hai? I was all alone there. Finally, when I got to see him, I told, no, I want to see him. What is happening? When I went to see him, he was wearing a mask. And I could see something is wrong. I could see his face was all swollen. This big. His face was like this big. And I said, remove the mask. I just removed the mask and I saw he was not able to breathe. His oxygen level was going down and itni swelling puri body and face pe. I think doctors, they did pump and wo lungs mein shayad air bhar gayi sari. And they had to, quickly they have to put him onto the ventilator again. He was in ICU. On the ventilator and raat ke 3 baje tak my friends came over that time, but meko koi dar nahi laga. It's like guruji sambhal lenge. And aaj tak, up till now, my in-laws, they don't even know that he was so serious and he was on ventilator, because I was so positive ki kuch ho hi nahi sakta and 2 days mein he will be fine. And that's what happened. 2 din ke andar, he was all okay, Jai Guruji. So, main ye kehna cha rahi hu ki I know it's been long. 2 saal bahut lamba time hai. It's not easy to see your husband like this, your family, your son, your father like in this condition. But Guruji is there protecting him all the time. And it is his blessing. हमें पता नहीं चलता blessing Guruji की, but बहुत बड़ी blessing है. It's been 2 years and if you see his body is all clean, not even a single sore on his body. I cannot do anything. No aid can do that. It is he who is protecting him
and taking care of him. So when his long-term disability started, and then when his short-term disability was about to end, I mean, I was dependent on him. He was the primary. The insurance was on his name, and I was not going to work. We were running around finding that we had to buy insurance, $1,800 a month. Insurance ke piche we were running around. So my CV, I don't have IT background. Main kabhi laptop pe baithti bhi nahi thi. I was not interested at all. My CV went, his boss, I was doing testing courses, पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ. आई डिडंट नो व्हाट आई हैड टू डू. ही जस्ट इन फ्यू ग्रुप्स ही जस्ट फॉरवर्डेड माई CV. मैं टेस्टिंग पढ़ती थी, टेस्ट अपने फ्रेंड्स से दिलवाती थी कि मेरे CV में डालने के लिए कुछ हो जाए. स्टार्ट पढ़ना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू करी, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कब कैसे क्या होगा. Because us time pe COVID time, that was the peak when people were losing their jobs. At that time, you getting a job and ekdam nayi field mein, jiske you don't have knowledge, kuch bhi nahi pata tha. Okay, I was studying. Mere friends aate the, ek mujhe testing padha raha tha, kahin main project management kar rahi thi, and I was so tired. Main raat ko sone ja rahi hu, and guruji ke aage khadi hui, humne kaha guruji yaar. ऐसे बोला मैंने, यार मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे टेस्टिंग पढ़नी है, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, मुझे क्या करना है. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अमृत वेला जैसे मतलब मॉर्निंग उठी, एंड आई यूज टू स्लीप अगैन. 8 o'clock आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फाइजर फॉर द जॉब इंटरव्यू फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एंड उन्होंने मुझे उस टाइम पे, रात को मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने सुबह ही क्लियर कर दिया कि नो टेस्टिंग फॉर यू, तू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेगी, उसका इंटरव्यू देगी. आई स्टार्टेड, पहला राउंड हुआ इंटरव्यू का, हो गया अच्छा, ठीक हो गया. मुझसे एकदम बाद में पूछा आफ्टर इंटरव्यू कौन क्या क्वेश्चंस थे, एंड आई डोंट इवन नो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या रिप्लाई किया, मुझे याद ही नहीं. मुझे आई डोंट इवन रिमेम्बर, मुझे सिर्फ दो क्वेश्चन याद थे, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मैंने इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन थे या मैंने क्या रिप्लाई किया. ओके, द सेकेंड राउंड वॉज वीडियो इंटरव्यू. आई प्रिपेयर्ड, मेहनत करी, बड़े लोगों ने मेरी हेल्प करी. इंटरव्यू के लिए मैंने एक शीट बनाई थी, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऐसे 1, 2, 3, 4 जो हो सकता था. सब कह रहे थे कि टेक्निकल हो सकता है, समटाइम्स इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं. ओके, मैं इंटरव्यू से पहले तैयार होके, सब प्रिपेयर होके गुरुजी के पास गई. क्या गुरुजी सब कहते हैं ना, बहुत घुमा के पूछते हैं, प्लीज सीधे सीधे सवाल पूछवाना. एक तो सिंपल, आई जस्ट टोल्ड हिम. और वीडियो के लिए, एंड मैंने साथ में अपनी शीट ऐसे चीटिंग के लिए लगा दी थी. एंड आप मानोगे नहीं, जैसे मेरे क्वेश्चन आंसर थे वैसे वैसे मेरा इंटरव्यू गया. जय गुरु जी. आई मीन इट वॉज सो ईजी, मतलब कैसे इंटरव्यू हो गया. आई गॉट द जॉब इन फाइजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जय गुरु जी, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी. 8th Jan दिस एक्सीडेंट हैपेंड, एंड 2nd Jan को आई केम फ्रॉम वर्क CVSA, एंड आई वॉज टायर्ड, आई स्लेप्ट इन द इवनिंग. माई हस्बैंड केम होम एंड लाइक, तू इतना थक जाती है, वाई डू यू वॉन्ट टू गो CVS, वाई डोंट यू अप्लाई इन फाइजर, मेरा बड़ा मन है तू फाइजर में तेरी जॉब लगे. एंड गुरुजी ने कराया व्हाट ही वांटेड मेरी फाइजर में. अभी भी आई फील कि काम के टाइम में उनको ये कहती हूँ, इट्स नॉट माय जॉब, आपने दिलवाई है, करनी भी आपने है, मेरे में इतनी समझ नहीं है. और कहीं मैं कोई गलती करने लगती हूँ ना, आई डोंट नो क्या आता है, कैसे वो मुझे रोक लेते हैं. शायद बहुत अच्छे से गुरुजी ने संभाल के रखा है. एक लास्ट सत्संग करूंगी, बीच में बहुत सारे हैं, बट इट्स लॉन्ग बिकॉज एवरी डे इज अ सत्संग. अभी ऑगस्ट, माय डॉटर ऑलवेज वांटेड जॉन्स हॉपकिंस. उसका एडमिशन टाइम पे आई वाज लाइक, रिजल्ट आना था, मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ये नहीं कह रही कि उसको आप हॉपकिंस में कराओ, बट उसको रुलाना मत, बस इतना जो आपको ठीक लगे उसके लिए. एंड गुरुजी ने रुलाया उसे, बट खुशी के आंसू रुलाए,
She got into Hopkins. मैं उसको हॉपकिंस छोड़ने गई. ऑन द वे बैक वेदर वॉज बैड. माय कार मेड एक्सीडेंट. पूरी टोटल हो गई गाड़ी. इट केप्ट स्केडिंग स्केडिंग फ्रंट बैक धार धार. पूरी गाड़ी खत्म. सिर्फ एक मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं था हाथ से. और आई जस्ट गॉट माइल्ड फ्रैक्चर ऑन माय फिंगर दैट इज इट. एंड माय डॉटर गॉट अ माइल्ड फ्रैक्चर हियर ऑन द नोज. बट गुरुजी ने बहुत संभाला उस टाइम पे. आई आस्क्ड माय डॉटर मैंने क्या बोला उस समय पे जब गाड़ी स्केड हो रही थी. कहती यू वर सेइंग ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट. उस टाइम पे भी मैंने जय गुरुजी नहीं बोला. ओ शिट ही बोला. बट गुरुजी ने बहुत संभाला. एंड थैंक यू शुक्राना गुरुजी. बहुत बहुत थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये ब्लेसिंग देने के लिए. थैंक यू.